वैसे तो कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली की कृपा बरसने की बात की जा रही है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। सीतारामैया ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। अब कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ में भी क्या बजरंगबली की कृपा बरसेगी, इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस अगले चुनाव के लिए तैयार रहे, कर्नाटक की जीत कोई उपलब्धि नहीं है। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कर्नाटक चुनाव की तरह प्रदेश में सभी वर्गों का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। धमतरी दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। सीएम से जब सवाल किया गया कि कर्नाटक में बजरंगबली की कृपा बरसी, छत्तीसगढ़ में किनकी कृपा होने वाली है, इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए बताया कि यहाँ जो नागरिक हैं, यहाँ के मतदाता हैं, मेरे अन्नदाता हैं, यहाँ के मेरे मजदूर भाई हैं, यहाँ के मेरे आदिवासी भाई हैं, हमारी बहनें हैं और नौजवान साथी हैं, सबका मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा, मुझे विश्वास है। देखिए, यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के मतदाता हैं, मेरे अन्नदाता हैं, यहाँ के जो मेरे मजदूर भाई हैं, यहाँ के हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी, सबका मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा, मुझे विश्वास है। जिस तरह से पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कर्नाटक में जोरदार चुनाव प्रचार किया और उसके बाद भी कांग्रेस ने कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल की, इस जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने का काम किया है। बंपर जीत के बाद कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता और नेता जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। कांग्रेस के नेता चारों तरफ खुशियां मनाते नजर आए, हनुमान जी की गदा को हाथ में लेकर जय हनुमान जय सियाराम के नारे लगाते हुए दिखे। कांग्रेस नेताओं की माने तो कर्नाटक में बजरंगबली ने कृपा बरसाई है, जिससे कर्नाटक चुनाव में बंपर जीत हुई। भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि हनुमान जी जीत नहीं दिलाते, चुनाव के कई फैक्टर रहते हैं, एक चुनाव हारे एक चुनाव जीते, ये राजनीतिक क्रम है। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो अगले चुनाव के लिए तैयार रहे, देखते हैं छोटे छोटे राज्य आ रहे हैं, हमने तो शून्य से सफर की शुरुआत की थी, बहुत ऊंचाई पर हैं। हनुमान जी जीत नहीं दिलाते, समझ रहे हो ना, चुनाव के कई फैक्टर रहते हैं, एक चुनाव हारे एक चुनाव जीते, ये राजनीति का क्रम है, समझ रहे नहीं समझ रहे। कांग्रेस तैयार रहे अगले चुनाव के लिए, छोटे छोटे राज्य आ रहे हैं जा रहे हैं, देखते हैं, हमने तो शून्य से सफर शुरू की थी, बहुत ऊंचाई पर है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए, जिसके नाम का सूरज दीपक जलता था ना, वो किसी कोने कोने में टिमटिमा रहा है एक दो जगह, वो कोई उपलब्धि नहीं। बहरहाल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है, अब कांग्रेस पार्टी की नजर छत्तीसगढ़ में है। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी बाण छोड़ रहे हैं। कर्नाटक में हनुमान जी का जादू चलने की बात भी की जा रही है, अब क्या छत्तीसगढ़ में भी हनुमान जी की कृपा बरसेगी, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी कमर कस ली है।